शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीसाठी आपली तिसरी यादी जाहीर केली आहे. आजच्या यादीत 9 जणांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे अभिनेत्री स्वरा भास्करचा पती फहाद अहमद यांना देखील उमेदवारी देण्यात आली आहे. नवा मलिक यांची लेक सना मलिक यांच्या विरोधात ते उभे ठाकले आहेत. अनुशक्तीनगर येथून फहाद अहमद यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. जयंत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दल माहिती दिली. फहाद अहमद हे वेल एज्युकेटेड यंग मुस्लिम यूथ जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई की है और वो एक्टिविस्ट है. पूरे देश में एक्टिविस्ट के नाते उनका नाम बहुत आगे आया है और लोग चाहते हैं कि ऐसे नौजवान और युवा नेताओं को हम अपॉर्चुनिटी दें. वो हमारे पार्टी में पहले नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमने बातचीत करके उनको हमारी पार्टी में प्रवेश करके हमने उनको वहां पे अनुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने के लिए. फहाद अहमद हे समाजवादी पार्टीच्या युवा संघटनेचे मुंबई आणि महाराष्ट्र भागातील अध्यक्ष होते, पण आता त्यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात प्रवेश केलाय. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्या उमेदवारीची चर्चा होती, त्यामुळे बरेच दिवस ते महाविकास आघाडीच्या बैठकांमध्येही दिसत होते. आज अखेर त्यांनी शरद पवारांना जाहीर समर्थन दिलं असून त्यांना अनुशक्तीनगर येथून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. कि समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं. मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया दाई सोले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र रावत साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है. महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं. इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था, 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था, और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी जो महायुक्ति का करप्शन है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेके हम आने वाले दिनों में. और आपको एक बात और बताऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि चुनाव का जनता इंतजार कर रही हो. महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग कब जो है. चार एजेंडा हैं. पहला एजेंडा यह है कि आज अणुशक्ति नगर की अगर जो हालात हैं आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बॉम्बे में हैं. एक एक रूरल महाराष्ट्र से भी आप हमारे भारत नगर में जाओ, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए. एक साहब जो यहां से विधायक रहे जिनकी बेटी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, उन्होंने 15 सालों में कोई कॉलेज नहीं बनवाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया. आज ड्रग का सेंटर बना के रख दिया गया हमारे चीता कैंप को. हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे. मेरे देशभर की जो महिला मित्र थी वो कहती थी बम्बई में जो है सुरक्षित महसूस होता है. आज बदलापुर हो गया. जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए. मैं एक पढ़ा लिखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूं, एमफिल वहां से किया है, छात्र राजनीति की है. मैं अपनी जीवन में जितना मैंने पढ़ाई की है उसको सबको लगा के एक बेहतर अनुशक्ति नगर का वादा करता हूं. सना मलिक का क्या? सना मलिक का नहीं, सना मलिक मेरी बहन है, ठीक है. और मुझे कोई भी किसी तरह की टिप्पणी सना मलिक जी पे नहीं करना है. हम लोग मुद्दों का चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे.